नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा नेता सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को कहा कि यह नरेंद्र मोदी ही सरकार थी जिसने पार्टी के संस्थापक शरद पवार को कृषि क्षेत्र में उनके काम के लिए देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। सुले का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए राकांपा संस्थापक के योगदान पर सवाल उठाया था। अहमदनगर जिले के शिरडी में गुरुवार को अपने संबोधन के दौरान मोदी ने राकांपा प्रमुख शरद पवार का नाम लिए बिना ही कहा था कि महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति की है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता देश के कृषि मंत्री रह चुके हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। दरअसल शरद पवार केंद्र में कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग सरकार 2004 से लेकर 2014 के दौरान कृषि मंत्री रहे थे। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जब पवार केंद्रीय कृषि मंत्री थे तब किसानों को बिचौलियों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। वहीं पीएम मोदी के इस बयान के बाद सिंधु दुर्ग जिले में मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री महाराष्ट्र आते हैं वे राकांपा को भ्रष्ट पार्टी करार देते हैं। सुले ने आगे कहा कि लेकिन इस बार गुरुवार को मोदी ने पहले की तरह राकांपा को भ्रष्टाचार से नहीं जोड़ा है। बारामती से सांसद सुले ने कहा कि पवार साहब को कृषि और राजनीति में उनके काम के लिए मोदी सरकार ने ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। अजीत पवार को करना चाहिए था विरोध। वहीं इससे पहले राज्य के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब किसानों के लिए राकांपा प्रमुख के योगदान पर सवाल उठाया था तब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को विरोध में मंच छोड़कर चले जाना चाहिए था या उनके बयान को दुरुस्त करना चाहिए था। राकांपा के शरद पवार खेमे से ताल्लुक रखने वाले देशमुख ने नागपुर में मीडिया से कहा कि मोदी ने जब उनकी पार्टी के संस्थापक के बारे में ये कहा कि तब अजीत पवार मंच पर मौजूद थे। अनिल देशमुख ने कहा कि अजीत दादा को मंच छोड़ देना चाहिए था या प्रधानमंत्री मोदी को सही सही जानकारी देनी चाहिए थी ताकि वे अपने बयान को दुरुस्त करते। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।